भुवनेश्वर में भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम ओडिशारे पहुंचा पर पारंपरिक बाजा बजाजा सह आतशबाजी में कंपिला राजरास्ता एयरपोर्ट आरंभ कर होटेल स्टेडियम रास्ताघाट में ब्यानर पोस्टर में हॉकी खिलाड़ी को स्वागत करा विमान बंदर में टीम पहुंचा पर क्रीड़ा मंत्री समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी खिलाड़ी को संवर्धना देते टोक्यो ओलंपिक रे उभय टीम चमत्कार प्रदर्शन कर देश गौरव आनी दीर्घ 41 वर्ष पर भारतीय पुरुष टीम ओलंपिक रे ब्रोंज मेडल हाथेबारे सफल होती उभय टीम को मुख्यमंत्री ओडिशा आमंत्रण करथिबा बेले आज खेलाड़ी मानंकु लोकसेवा भवन रे संबोधित करिवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राउरकेला हो सुंदरगढ़ हो पानपोस हॉकी स्टेडियम आपनकर केते प्लेयर प्रोड्यूस करिछे भारतीय दल पई एवं सेमानक समय रे आमे भारतीय दल बहुत चेष्टा करथिला पदकटी पाइबा पई आज 41 वर्ष पर भारतीय दल गोटे ब्रोंज पदक पाइछि एवं से गौरवमय गाथा को पुनि थरे बन करूछि आमे सुद्र गंजाम जिलार करंडीमाल पर्वतांचल आसी खबर मैंने आम सांगे अच्छा बाघ भालू हरिण इत्यादि आम बहुत एक्साइटेड अच्छे जो हॉकी दल आज पूरा विश्व भर में पूरा विश्व आम भारत ना को उत्सव को नहीं बहुत खुशी लगे अच्छा मनप्रीत को कौन कह चाहिए आई लव माय इंडिया चांदी होटल स्पेशल अरेंजमेंट कराई सिक्यूरीटी अरेंजमेंट कराई ओनली वेरिफिकेशन एवं जो मैंने अथराइज अच्छा से मैंने ही प्रवेश करेंगे से होटल अन्यान्य जो आज दिन सारा राति जाए प्रोग्राम अच्छे सब जगार व्यापक व्यवस्था करा तेज आज आयोजन होता प्रेस मीट रे उभय पुरुष और महिला हॉकी टीम उपस्थित थे निजे निजर अनुभूति बखाणीशा को घूरी घूरी प्रशंसा कर समस्त खिलाड़ी तेज आगामी एशियन गेम कि भल प्रदर्शन करेंगे से नहीं खिलाड़ी मैंने प्रस्तुत थी भारतीय महिला हॉकी दल अधिनायिका रानी रामपाल ओलंपिक पर घर को जाइलु एवं ओडिशा आसलु घर को जीवापर जो भाई उपलब्धि करूँ ओडिशा आसवापर ठीक से ही अनुभूति होर्व हॉकी नहीं ये आलोचना होता एवं कितु हॉकी को नहीं सब घर सब लोगों भितर आलोचना हो सबसे पहले उड़ीसा के आई थिंक लोगों के दिलों में हॉकी बसती है मुझे लगता है जो बाहर फॉरेन में इतना देखने को हमें नहीं मिलता यहाँ पे इवन दो जिनको हॉकी की नहीं भी नॉलेज है वो लोग भी स्टेडियम में आते हैं चीयर करते हैं अपनी टीम को और सिर्फ इंडिया को चीयर नहीं करते लेकिन बाकी टीम्स को भी चीयर करते हैं तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो प्लेयर्स को एक एनर्जी देती है टीम को एनर्जी देती है क्योंकि जितने भी मेजर टूर्नामेंट आपने जैसे बोला सभी मेजर टूर्नामेंट हम लोगों ने यहाँ पे खेले हैं ठीक है वर्ल्ड कप भी लास्ट वर्ल्ड कप था नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जब भी आज वेलकम हुआ है तो बहुत अच्छा लगा यही देख रहे हैं कि आने वाले टूर्नामेंट जो भी यहाँ पे होंगे हम लोग ऐसे खेलेंगे और ऐसे ही हमें पूरा जो ओडिशा है पूरा हमें प्यार करता रहेगा तेज आज कलिंग स्टेडियम में मुख्यमंत्री के साथ फोटो सेशन होगा बेले संध्या 6:30 लोकसेवा भवन में समस्त खिलाड़ी को सम्मानित भुवनेश्वर सतरूपा सामंतराय रोशन रथ और सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।